दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल 2021 के 48वें मुकाबले में ठहरने पर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस काफी नाराज आ रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ पंजाब की टीम ने टॉस हारने के बावजूद शानदार गेंदबाजी की, लेकिन एम्पायर की गलती कप्तान केएल राहुल को गुस्सा दिलाने का काम किया। दरअसल हुआ यह कि आरसीबी की पारी का 8वां ओवर करने के लिए रवि बिश्नोई आए और उनके ओवर की तीसरी गेंद पर रिवर्सिप लगाने के चक्कर में द्युत पड़ीकल ने पूरी तरह से चूक गए। केएल राहुल और बाकी खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन एम्पायर ने पड़ीकल को नॉट आउट दे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद राहुल ने बिना कोई सेकंड गवाए डीआरएस लेने का फैसला किया। इसके बाद जब थर्ड एम्पायर ने रिप्ले में देखा तो साफ देखा जा सकता था कि गेंद पड़ीकल के ग्लव्स को छूकर राहुल के दस्तानों में गई थी, लेकिन थर्ड एम्पायर ने हर क्रिकेट पंडित को होश उड़ाते हुए पड़ीकल को नॉट आउट करार दिया। दोस्तों इस घटना के बाद पंजाब के कप्तान केएल राहुल सबसे ज़्यादा निराश दिखे और वो मैदानी एम्पायर से बहस करते हुए दिखाई दिए। ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ, ओवर खत्म होने के बाद भी राहुल एम्पायर के इस फैसले के बारे में सवाल पूछते हुए नजर आए और उनके ये सवाल पूछना लाजिम था। दोस्तों आपको क्या लगता था, पड़ीकल आउट या नॉट आउट, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आने वाली हर एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।